तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैक क्राइम ऑनलाइन का 9th एपिसोड और जिसका नाम है जैकपॉटिंग पार्ट 2। ये दो एपिसोड थोड़े लंबे हैं तो इंतजार तो करना बनता ही था। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग होती है उसी बैंक के मालिक से। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि आप कैसे भी करके उन हैकर्स को पकड़िए। आशुतोष सर कहते हैं कि इनको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये लोग स्किल्डफुल हैकर्स हैं। और फिर वो कहते हैं कि कैसे भी करो क्योंकि हमारे जो बैंक की रेपुटेशन है वो गिर रही है। और फिर आशुतोष सर कहते हैं कि इन्होंने एक ओपन चैलेंज किया है कि आज हम एक नए एटीएम में चोरी करेंगे। इसके बाद आशुतोष सर कहते हैं कि हमने उनके कोड्स में घुसने की तैयारी कर ली है, हमारी जो टीम है उनका जो कोड है वो हैक कर रही है। और फिर डीसीपी हुसैन कहते हैं कि ये कैसे होगा आप बताओ। आशुतोष सर कहते हैं कि हैकर्स जो है वो घमंडी है और घमंड जरूर कोई ना कोई गलती करवाएगा इनसे और इसी का हमें वेट है। फिर सारे जो हमारे हैकर्स हैं वो लग जाते हैं उन हैकर्स की जन्म कुंडली निकालने में। आशुतोष सर पे कहानी शिफ्ट होती है और उनके पास वापस से उनकी गर्लफ्रेंड का गलती से कॉल लग जाता है और उनकी गर्लफ्रेंड कहती है उसके बेटे को मैं कभी अपना नहीं पाऊंगी। और फिर ये बात आशुतोष सर सुन लेते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है हमारे हैकर्स पे। हैकर्स जो हैं उस एटीएम का पता लगाने में लगे हुए हैं कि कहां पे अगली चोरी होने वाली है। और फिर जो ऐप इंस्टॉल हुआ था और उसमें कुछ कोड्स और टेबल्स थी वो पता लगाने के लिए शक्ति कहती है कि इनके बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता चला। वो सारी कोड्स निकालती है और फिर उसके कोड्स में 4 लेटर्स जो होते हैं वहां पे एक टेबल होती है और उसके कोड्स में 4 लेटर्स में एक लाइन लिखी हुई होती है अल्फाबेटिकली और उस अल्फाबेटिकली लाइन को ये लोग डिकोड करते हैं। जब ये लोग डिकोड करते हैं तब देखते हैं कि जो अल्फाबेटिक 4 लेटर्स हैं इनका एक चार्ट टेबल में नंबर होता है। अगर वो नंबर पता चल जाए तो हमें एटीएम का आईपी एड्रेस मिल जाएगा और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एटीएम में चोरी होने वाली है और किस वक्त चोरी होने वाली है। उसके बाद जो चोर है जिस ऐप को इंस्टॉल करते थे सबके एप्लीकेशन में, शक्ति ने भी उस ऐप का इस्तेमाल किया और उसमें जो वर्ड्स थे उनको जोड़ के देखा और उसमें लिखा था अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई। ये सारी 4 लेटर्स में लिखे थे और इन सबका एक एक नंबर था लेकिन उसको पूरी कहावत नहीं आ रही थी। और तभी पूरी कहावत तो बोल अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर शक्ति ध्यान देती है कि खेत जो है वो है 4 लेटर्स का अगला नंबर। और फिर ये लोग खेत को डिकोड कर देते हैं और उसका आईपी एड्रेस निकालते हैं कि वो किस नंबर पे लाई करता है और फिर पता लग जाता है कि कौन सा एटीएम है जिसमें चोरी होने वाली है। अब सारे जो अपने हैकर्स है वो जाते हैं आशुतोष सर के पास भाग के और वो बोलते हैं अरे यार तुम आराम से भी आ जाया करो कभी। वो बोलते हैं कि सर हमें पता लग गया है कि कौन से एटीएम से चोरी होने वाली है। और फिर वो दोनों हैकर्स पे कहानी शिफ्ट होती है। वो 4:30 का टाइम देते हैं कि 4:30 हमारे जो एटीएम्स है वो खाली कर देने हैं हमको। और इसके बाद वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं शक्ति के बारे में। एक हैकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है शक्ति ज्यादा खतरनाक है। दूसरा हैकर बोलता है अरे जाने देना यार आज ये आखिरी चोरी है, इसके बाद हम कंट्री चेंज कर लेंगे बैंक चेंज। और फिर जिस लड़की को उन्होंने बांध के रखा है वो बोलता आज पूरी रात इसके साथ पार्टी करेंगे और कल सुबह इसको मार के गाड़ देंगे। और फिर वो दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं और फिर ये कहानी जाती है उन लोगों के पास जो जाने वाले हैं बैंक्स में पैसे निकालने के लिए। इसके बाद शक्ति जो है वो जाती है उसी बैंक के एटीएम में और उसका जो मालिक है वो बोलता है कि सर ये है आईपी एड्रेस का सिस्टम, आप देख लो इसमें क्या गड़बड़ है। और फिर आशुतोष सर बोलते हैं कि आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं। और शक्ति छुपके से उसके जो आईपी एड्रेस की मशीन है उसमें घुस जाती है और उनका पता लगाने लग जाती है कि वो लोग कहां से ये सब कमांड दे रहे हैं। और फिर वो देखती है कि 1.5 करोड़ रुपए तो अभी तक निकाल भी लिए हैं। और वो आशुतोष सर को बोलती है कि सर 4:30 तक ये एटीएम्स पूरे खाली हो जाएंगे। और फिर आशुतोष सर कहते हैं कि यार इसमें तो अब सिर्फ 10 मिनट बाकी है, जल्दी करो जल्दी करो। और वो इंसान जो मशीन दिखाने लाया था वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सर आप ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे हमारे बैंक के सिस्टम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वो चला जाता है सिक्योरिटी बुलाने। आशुतोष सर बोलते हैं जल्दी कर शक्ति हमारे पास टाइम नहीं है जल्दी कर, और उनका पता लगा। और शक्ति कहती है सर थोड़ा वेट करो मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो कहती है कि मैं इनका सिस्टम डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। आशुतोष सर कहते हैं तू एटीएम की लोकेशन पता लगा। और फिर वो एटीएम की लोकेशन पता लगा लेती है और तभी वहां पे सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हटो वहां से हटो। और आशुतोष सर बोलते हैं पास मत आना वरना चाटा मार दूंगा। और फिर वो एक चाटा खींच के मार देते हैं और सारे सिक्योरिटीज रुक जाती है। इसके बाद वहां का जो मालिक रहता है वो बोलता है सॉरी मेरे को पता नहीं था कि आप लोग इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसके बाद पुलिस वाले लोकेशन पे पहुंचते हैं लेकिन सारे लोग अपने अपने जो कैश है वो निकाल के गायब हो गए होते हैं। और फिर शक्ति बोलती है कि मैंने एटीएम्स के जो कैमरे थे वो
वो ऑन कर दिए हैं और ये कहानी शिफ्ट हो जाती हैकर्स के ऊपर। हैकर्स देखते हैं कि हमारे एटीएम्स के जो कैमरे हैं वो किसी ने ऑन कर दिए हैं और वो समझ जाते हैं कि वो लड़की ने ही ये सब किया होगा। लेकिन इससे क्या फायदा था, क्योंकि सारे लोग तो पैसे लेके निकल चुके थे और सबका ऑर्डर और पार्सल टाइम पे पहुंच गया था। हैकर्स पैसे गिनने लग जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये लोग देखते हैं सीसीटीवी कैमरास में तो सब ने मास्क पहना होता है और एक लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है कि इनमें से सारे लोग जो हैं क्राउड में जाके गायब हो जाते हैं, हमने ट्रैफिक सिग्नल पे जो कैमरेज लगे थे उनसे चेक करवाया है और कोई भी सबूत हमें अभी तक नहीं मिल पाया। इसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और फिर वही हैकर्स मैसेज करते हैं शक्ति को कि हम जीत गए और तुम हार गई हो। शक्ति बोलती है अभी ये सब खत्म नहीं हुआ और फिर वो लोग सिस्टम ही डीक्लोज कर देते हैं। इसके बाद शक्ति जो है वापस से मायूस हो जाती है और सोचती है कि अब तो ये केस हमारे हाथ से गया और फिर वो सीसीटीवी कैमरास वापस से देखने लग जाती है और वो देखती है कि एक बंदा जो था जो पैसे निकाल रहा था वो एक एटीएम से निकल के दूसरे एटीएम में गया और उसने कुछ तो किया है। शक्ति बोलती है कि तू चेक कर 442 पे किस किस का अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन के लिए यूज हुआ था। और फिर जब वो चेक करता है तो वो आशुतोष सर को कहता है कि सर एक ही नाम दिखा रहा है 442 से 445 तक और वो है जोजो फर्नांडिस। और उसको वो लोग अब पकड़ने का प्लान बनाते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ जानता है और अगर हम इस तक पहुंच गए तो भाई उन हैकर्स तक भी पहुंच जाएंगे और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो कहते हैं ना कि क्राइम कितना भी बड़ा हो सबूत छोड़ ही देता है और कानून के हाथ बहुत ज्यादा ही लंबे होते हैं। कातिया चलो कोई बात नहीं आगे सुनो। अब ये लोग पता लगा लेते हैं जोजो फर्नांडिस का और वो पकड़ा जाता है और वो पूरे दिन भूखा प्यासा रहने के बाद पता बता देता है कि सुबह 7 बजे हमको ये पार्सल कचरे के डिब्बे में पहुंचाना है और इसके बाद इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो लोग नहीं बताते थे, वो सिर्फ पैसे पहुंचाने का काम करते थे। और फिर जोजो जो है 7 बजे वो पार्सल पहुंचा देता है और इसके बाद उसी के फोन से शक्ति जो है मैसेज कर देती है कि पार्सल आ गया और वो जो हैकर्स जो है आके वो पार्सल ले जाते हैं। वो रहते हैं सिटी के बाहर जहाँ पे सारा जो कचरा है वो फेंका जाता है और वो जो हैकर्स है एक छोटे से घर में रहते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, उन्हें कोई पकड़ ना पाए। अब वो दोनों हैकर्स जो है वो आ जाते हैं और घर में चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो है उनको पता नहीं रहता कि यही असली हैकर है या फिर कोई और भी आने वाला है इनसे मिलने और पार्सल ले जाने वाला है। तब शक्ति, आशुतोष और उनके साथ 2 पुलिस ऑफिसर और होते हैं जो 3 घंटे से खड़े होते हैं और एक पुलिस ऑफिसर बोलता है मैडम 3 घंटे हो गए अभी तक ना तो वो बाहर आया है और ना ही कोई इनसे मिलने आया है। तो वो मैडम कहती है कि हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। फिर शक्ति सोचती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि यही हैकर है और यही दोनों क्रिमिनल्स हैं। अब शक्ति जो है जोजो फर्नांडिस के फोन से एक फोटो खींचती है उनके घर की और उन्हीं हैकर्स को भेज देती है ताकि वो हैकर्स तिलमिला जाए और देखे कि यार ये फोटो तो हमारे घर की है और हमारा पीछा करते हुए आ रहा है। और फिर ये कहानी जाती है हैकर्स के घर में। हैकर्स जो है सोच रहे हैं कि इस लड़की को मार के गाड़ दें और अब पैसा लेके हम दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाएं ताकि हम दूसरे कंट्री की जो एटीएम है उनसे पैसा निकाल पाए। इसके बाद वो हैकर्स जैसे ही उस लड़की को मारने वाले होते हैं उनके पास फोटो आ जाती है और वो देखते हैं कि जोजो उन्हें फॉलो कर रहा है। एक हैकर बाहर निकल के आता है और कहता है कि निकल बाहर तू हमें ब्लैकमेल करेगा। और इसके बाद आशुतोष बोलते हैं कि तुम लोग पीछे से आओ मैं इसको पकड़ता हूं। और फिर वो हैकर जो है वो पकड़ा जाता है। और इन हैकर्स की सबसे खास बात यह है कि ये लोग नंगे रहते हैं यानी चड्डी पहन के रहते हैं, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं पहना होता। ऐसा लगता है कि इतना पैसा चोरी करने के बाद भी एक शर्ट नहीं ले सकते, बस चड्डी पे रहते हैं और वो चड्डी पे ही बाहर आ जाता है। अब वो बोलता है कि निकल जा और आशुतोष सर उसको पकड़ लेते हैं और फिर दूसरे कॉप बोलते हैं चल नंगे अब तू पुलिस स्टेशन चल। और दूसरा वाला जो बंदा रहता है वो उस लड़की को टपकाने वाला होता है, तब तक आशुतोष सर वहां जाता है गन लेके और कहते हैं तू इसे छोड़ दे। तो वो हैकर कहता है कि तू तो अच्छा पुलिस वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा मुझे अरेस्ट करेगा लेकिन सबसे पहले इस लड़की को मैं टपकाऊंगा। और फिर शक्ति जो है आशुतोष सर के हाथ से गन छीन के बोलती है कि देख ये तो अच्छा पुलिस वाला है लेकिन मैं पूरी हटेली हूँ, मैं सीधा ठोक दूंगी, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू इसको मार, तू चाहे कुछ भी कर। वो हैकर उसे चैलेंज करता है कि देख ट्रिगर दबाने के लिए ना गूदा चाहिए और तेरे अंदर है नहीं। और फिर शक्ति
एक शॉट फायर करती है आसमान में और फिर वो हैकर जो है वो डर जाता है। अब वो हैकर डर के मारे चाकू छोड़ देता है, आशुतोष सर उसे पकड़ लेते हैं और वो लड़की जो है वो बच जाती है। उस लड़की के साथ इन दोनों ने इतना गंदा सलूक किया था कि वो लड़की चल भी नहीं पाती है और फिर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और शक्ति जो है आती है उन हैकर्स के पास और उस हैकर के गोटे फोड़ देती है और बोलती है कि जा अब तू जेल में चक्की पीसेगा। और फिर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इन दोनों को ले जाया जाता है जेल। आशुतोष सर शक्ति की तरफ देखते हैं और बोलते हैं यार ये तो पूरी हटेली है। और इसके बाद कहानी जाती है आशुतोष सर और उनकी गर्लफ्रेंड पे। आशुतोष सर अपनी गर्लफ्रेंड से बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोला, तुमने मुझे कॉल किया था और तुम्हारे जो नंबर है वो कभी कभी गलती से लग जाता है मेरे को और फिर मैंने सारी बात सुन ली है जो तुम अपनी सहेली से बोल रही थी। और इसके बाद आशुतोष सर और उनकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है और आशुतोष सर कहते हैं कि देखो मेरे को मेरे बेटे के लिए एक अच्छी मम्मी चाहिए और तुम अगर मेरे बेटे को नहीं अपना सकती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और फिर ये जो 9th एपिसोड है यही खत्म हो जाता है और अब 10th एपिसोड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी यू।